म्यूचुअल इंडक्शन में हमने बात की थी कि अगर दो कॉयल्स एक दूसरे के करीब रखे जाएं और एक कॉयल में करंट चेंज किया जाए तो साथ पड़ी हुई दूसरी कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। आज हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ही कॉयल मौजूद है और इस कॉयल को आपने कनेक्ट किया है एक स्विच के साथ, एक की के साथ, एक बैटरी के साथ और एक रियोस्टेट के साथ। क्वाइल, स्विच, बैटरी और रियोस्टेट ये आपस में सीरीज वे में कनेक्ट की गई हैं। जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे तो सर्किट में बैटरी की वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इस करंट को आप वेरी करवा सकते हैं अगर आप इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को चेंज करते रहें। जैसे जैसे आप रियोस्टेट की रेजिस्टेंस चेंज करेंगे सर्किट में से बहने वाला करंट चेंज होता रहेगा। और चूंकि करंट ये इस कॉइल में से भी पास कर रहा है तो जितना करंट चेंज होगा इस करंट की वजह से कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही चेंज होगी। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड खुद इस कॉयल में से भी पास कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि कॉयल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर किसी एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस एरिया में फैराडेज लॉ के मुताबिक, उस कंडक्टर में फैराडेज लॉ के मुताबिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जो कि बराबर होती है माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। सो ये जो फिनोमेना है जिसमें एक ही कॉयल में करंट की तब्दीली उसी कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस करती है, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन का। सो द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉयल, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक कॉयल में करंट की तब्दीली इंड्यूसिस ईएमएफ इंड्यूस करती है इन इट सेल्फ, खुद उसी में, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन अभी जैसा कि जिक्र किया गया है बेस करता है फेरेडेज लॉ पर। सो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेल्फ इंडक्शन का वो फेरेडेज लॉ है। अब सेल्फ इंडक्शन में हमने समझने के लिए एक कॉइल कंसीडर की है जो कि कनेक्ट है एक स्विच के साथ, एक बैटरी के साथ और एक रियोस्टेट के साथ। सो कंसिडर अ क्वाइल कनेक्टेड टू अ स्विच, रियोस्टेट एंड अ बैटरी। अब जब करंट फ्लो करवाते हैं स्विच ऑन करने पर इस क्वाइल में से, करंट आप चेंज कर सकते हैं रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को वेरी करके। व्हेन द करंट इन द क्वाइल इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, जब आप कॉयल में से पास करने वाला करंट चेंज करवाते हैं कॉयल की सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज करने पर या रियोस्टेट की रेजिस्टेंस चेंज करने पर, होता क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉयल में से पास कर रहा है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट ऑल्सो चेंजेस। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉयल में से चेंज हो रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा इस कॉयल के अंदर, इस सर्किट के अंदर। सो दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन इट गिवन बाय फेरेडेज लॉ, ये फेरेडेज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। हम ये मान लेते हैं कि इस कॉयल के एक लूप में से जितना फ्लक्स पास करता है वो फ्लक्स है फाई, और अगर इस पूरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कैपिटल एन हो तो कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स में से जो फ्लक्स पास करेगा वो बराबर होगा कैपिटल एन इंटू फाई के। अब ये फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर, इस सर्किट में गुजरने वाले करंट पर। जितना सर्किट में से करंट गुजरेगा उतना ही सर्किट में फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो जितना मैक्सिमम करंट सर्किट में पास करेगा उतना ही फ्लक्स जो है इन नंबर ऑफ टर्न्स में से पास करेगा।
कहा जा सकता है कि ये जो फ्लक्स है थ्रू एन टर्न्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जो कि कॉइल में फ्लो कर रहा है। अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें तो इक्वेलिटी साइन आएगा और साथ कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज़ एल। फैराडेज लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो मैथमेटिकली बराबर होती है माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के। अब यहाँ से आपने एन को और फाई को एक साथ लिखना है, सो ये बन जाएगा डेल्टा एन फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब एन फाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एल आई। सो फाई की जगह, एन फाई की जगह आपने क्या पुट कर दिया, एल आई। अब चूंकि एल कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, तो एल को हम बाहर लिख लेते हैं और डेल्टा ऑपरेट हो जाएगा करंट पर, तो ये आपके पास उस ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा जो कि सेल्फ इंडक्शन के नतीजे में कॉइल में या इस सर्किट में प्रोड्यूस होती है। अब इस इक्वेशन में जो एल है, एल यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये एल क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। सो हेयर एल इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं, सेकेंडली इस कॉइल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ द कॉइल, और जो कोर मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर आपने कॉइल को वाउंड किया है वो कोर मटेरियल की नेचर क्या है। अब हमने सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पर गौर करना है, और डेफिनेशन के लिए अगेन मैं वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि अभी हमने ड्राइव किया, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होगी माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन के केस में होल्ड करता है। यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर मैं एल की वैल्यू निकालता हूँ, सो एल की वैल्यू बराबर आती है ई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर माइनस साइन पर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे हम। सो एल जो है इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये रेशो है जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी किसके साथ, रेट और एट विच करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एक रेशो है किसकी, उस ईएमएफ की जो कि कॉइल में इंड्यूस हो रही है, किसके साथ, टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, यानी उस चेंज इन करंट के साथ जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है इस कॉइल में। अगर हम यहाँ से यूनिट निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के, तो इसके यूनिट आते हैं वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, और हम म्यूचुअल इंडक्शन में भी ये बात कर चुके हैं कि ये बराबर होता है हेनरी के, और इसके डेफिनेशन हम म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में कर चुके हैं। सो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि सर्किट में करंट एक तो इस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, और ये जो सर्किट में करंट इस बैटरी की वजह से फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जो करंट चेंज होने की वजह से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, वो ईएमएफ क्या करती है, ओपोज करती है इस बैटरी के करंट को। आई रिपीट, बैटरी का जो करंट है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इंड्यूस्ड करंट जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होगा वो ओपोज करेगा बैटरी के इस करंट को, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी। सो इसी वजह से हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। सो नेगेटिव साइन इसी डायरेक्शन के बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कॉइल में, मस्ट ओपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। ये उस वजह को पैदा उस वजह को ओपोज करती है जो कि इसे प्रोड्यूस कर रही है। अगर आपको याद हो ये लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट है।
दैट इज़ वाई सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज ऑल्सो कॉल्ड बैक EMF. तो इसी वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को बैक EMF भी बोला जाता है. और वो क्वाइल जो कि सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना परफॉर्म करती है, उस क्वाइल को हम इंडक्टर बोलते हैं, और इंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है.